लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने को है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है, वही 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन इससे पहले नेताओं की जुबानी जंग जारी है। आए दिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, संजय राउत इस वक्त लंदन में है और वह गांजा पी कर लेख लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुद पर संजय राउत की टिप्पणी का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने बार बार कहा कि संजय राउत के संबंध में मुझसे प्रश्न पूछा ना जाए। जो लोग गांजा पीकर लेख लिखते हैं, मैं उन पर बोलता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से वह लंदन में है, वहाँ पर मानसिक उपचार करवाए, दवाइयाँ लें। दरअसल संजय राउत ने रविवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को हराने के लिए काम किया है।